कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही सत्ता बदलो जन जागरण यात्रा पहुंची बीनागंज। इस अवसर पर राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह सहित देवेंद्र मीणा, पूर्व सरपंच सागर सिंह गोयल सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे मौजूद। होटल सोम इंटरनेशनल में एक कार्यक्रम के आयोजन किया गया। यात्रा में पूर्व मंत्री व राज्यसभा सांसद रायमणि पटेल तथा कांग्रेस प्रदेश महामंत्री विदा वर्मा भी मौजूद रहे। पूरी माता की तरफ भी इनका भ्रमण है और इस पूरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछले 4 साल से आपने देखा होगा कि देश में भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी, लेकिन 4 साल में भाजपा सरकार के कारण आज के समय के हमारी युवा पीढ़ी, इनके लिए मोदी जी ने कहा था कि हर साल वो 2 लाख और रोजगार के देंगे, लेकिन आज भी हमारी युवा पीढ़ी बेरोजगार घूम रही है। इन सब मुद्दों को विशेष ध्यान देने के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी ने ये यात्रा निकाली है और 15 जून को लगभग 2 हफ्ते बाद यही यात्रा का समापन भोपाल में होगा, जिसमें हमारे सभी बड़े नेता भी उसमें शामिल रहेंगे। और इसमें पूर्ण रूप से जो बात आप सबको आज जो साफ खर्च करेंगे, उसमें सबसे विशेष बात यही है कि आज के समय हम सब देख रहे हैं कि हमारा संविधान कहीं ना कहीं खतरे में है। आप तहसील में जाओ तो पैसा मांगते हैं, पटवारी मजदूरी कर रहे हैं, किसान को परेशान कर रहे हैं, थाने में जाओ तो परेशानी, जनपद में जाओ कोई भी काम पे जाओ पहले पैसा को फिर काम करा। पूर्ण रूप से आम जनता आज परेशान है। भाजपा की सरकार को मध्य प्रदेश में 15 साल हो चुके हैं और आज के समय जनता पूर्ण रूप से परिवर्तन जारी है और ये परिवर्तन तब होगा जब हम 5 महीने बाद पूर्ण रूप से वोट लगाए के हाथ के पंजे के लिए और एक बार फिर सरकार कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में। वर्मा जी से कि आप भी हमारी इस यात्रा के बारे में हमारे सभी साथीगण को, किसानों को, हमारे कार्यकर्ताओं को 2 शब्द कहें और ताकि अभी तक यात्रा में आपने कैसा महसूस किया है, क्या क्या इसमें आपका अनुभव रहा है,